हेलो माय लवली व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ टू टियर के पाइनएप्पल फ्लेवर में। तो पहले मैंने येलो कलर का और फिर पिंक कलर के क्रीम से केक को अच्छे से कवर अप कर लिया है। फिर एक साफ सुथरे कार्ड से जो कि यूजलेस था तो उसकी मदद से मैंने केक को अच्छे से सेट कर लिया है। फिर मैंने पिंक कलर का विप क्रीम लिया, फिर उसको ऊपर से मैंने कवर अप करने के लिए अच्छे से उसको क्रीम को डाल दिया है, फिर उसको भी सेट कर लिया। फिर मैं सेकेंड वाला जो टियर है उसको मैं ग्रीन कलर के क्रीम से अच्छे से मैंने उसको कवर कर लिया। फिर मैंने विप क्रीम पे थोड़ा सा पिंक लगा के थोड़ा पिंकिश कलर दिया है उसको। फिर उससे भी केक को अच्छे से मैंने रैप किया। फिर कार्ड की मदद से उसको अच्छे से मैंने कवर अप करके जैसे सेट कर लिया केक को। फिर उसके बाद मैंने ब्लू कलर लिया है, विप ब्लू कलर के विप क्रीम से जो मेरा सेकेंड टियर वाला केक था उसके ऊपर मैंने कवर कर लिया उसको अच्छे से। मैंने एक स्ट्रॉ लिया, उसका अच्छे से मैंने केक में रख के मैंने मेजरमेंट देख लिया है, जितना मेरे को चाहिए उतना मैंने स्ट्रॉ कट करके केक के बीच में उसको डाल दिया सेंटर में। फिर मैंने सेकेंड टियर वाला जो केक है उसको उठा के बीच में अच्छे से असेंबल कर दिया है। फिर मैं एक नए टूथब्रश की मदद से उसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ व्हाइट कलर लेकर, ताकि थोड़ा सा क्लाउडी लुक आए, अच्छे से स्काई का लुक आ जाए। फिर मैंने व्हाइट कलर के विप क्रीम से इसमें छोटे छोटे क्लाउड्स बनाए हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने छोटे बड़े थोड़े थोड़े करते करते मैंने इसमें क्लाउड बनाए ताकि क्लाउड का इफेक्ट आए, देखिए। फिर मैंने यूनिकॉर्न के सेंटर में स्टैम्बल करके कितना प्यारा लग रहा है मेरा यूनिकॉर्न केक। और ये मैंने जो यूनिकॉर्न है वो मैंने फॉन्डेंट की हेल्प से बनाया। मैंने यूनिकॉर्न के हेयर बनाया है येलो ब्लू और पिंक कलर से, और उसके मैंने विंग्स भी बनाए हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, है ना, कितना प्यारा लग रहा है मेरे यूनिकॉर्न। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी या।